हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। ये देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स आई हुई हैं, इधर भी। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स की जो फास्ट स्प्रेडिंग है। हमारे एक फन गार्डनिंग मेंबर हैं, व्यूअर हैं हमारे, वो कई बार बोल चुके हैं कि फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स जो ग्राउंड कवर भी बन सकते हैं, ऐसे प्लांट्स पे वीडियो बनाइए। तो मैं आज उन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जो जैसे आप लोग क्यारी वगैरह में लगाते हैं या लैंडस्केपिंग करते हैं, या कभी कभी ये जो फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट्स होते हैं ये बड़े गमलों में बड़े प्लांट्स के नीचे हम लगा देते हैं, तो वो उनके मल्चिंग का काम भी करते हैं और ग्राउंड कवर का काम भी करते हैं। और कभी कभी क्यारियों में हमें बड़े पौधों के बीच में जगह भरने के लिए ग्राउंड कवर की ज़रूरत होती है। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। जब हम शुरू में गार्डनिंग शुरू करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ग्राउंड कवर प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। कभी भी कुछ आपको सुंदर सा बनाना है पौधों को ग्रुप में रख के, तो उनके बीच में ग्राउंड कवर्स बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, जिससे कि वो उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो आज जिन मैं पौधों की बात करूंगी वो ग्राउंड कवर का भी काम करते हैं, और वैसे भी अगर आप उनको हैंगिंग बास्केट में और कहीं लगाना चाहें तो वो खूबसूरत वैसे भी लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ये देखिए, ये भी एज अ ग्राउंड कवर ही काम कर रहा है। ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये मैंने इसका ऊपर जो है वो आर्च बनाया हुआ है, और उसके नीचे ये देखिए ये ग्राउंड कवर है, मतलब नीचे की सारी चीज़ को इसने कवर कर दिया। अब ये ऊपर तक उगा हुआ है, मैं इसको और छोटा करना चाहूँगी तो ये मेरा मन है कि मैं इसको शेप करके बिल्कुल ऐसे घास जैसे बना दूँगी, है ना। ऐसे एक्चुअली जो हमारा घास होता है वो भी ग्राउंड कवर ही तो है। हम बड़े सारे एरिया को ग्राउंड से कवर कर, इसको चलिए मैं यूँ दबा के ही दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो प्लांट है ये आप सब लोग शायद जानते होंगे, ये है टेंगल्ड हार्ट प्लांट। तो ये भी ये प्लांट जो है बहुत अच्छा, ये मैं सबसे पहले आपको इसीलिए दिखाया है कि आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है, देखिए लाइव। ये देखिए इसने सारे नीचे वाली जगह को ग्राउंड को कवर किया हुआ है, ये देखिए। और ऐसे अगर हमें यूज़ करना है तो ग्राउंड कवर ये बहुत अच्छा है। और वैसे लगाना होता है तो अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी, ये हैंगिंग बास्केट में भी चल जाता है, है ना, और कंटेनर गार्डन में भी स्पिलर की तरह काम कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड कवर। ग्राउंड कवर्स की एक खासियत होती है कि वो फास्ट स्प्रेडिंग होने चाहिए, तभी तो बड़े सारे एरिए को वो कवर करेंगे। और ये देखिए चाइनीज वॉयलेट, इसमें फ्लावर भी आते हैं। कई लोग पूछते हैं फ्लावर वाले ग्राउंड कवर्स, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। इसमें पर्पल पर्पल कलर के फ्लावर्स भी आते हैं। ऐसी जगह जहाँ आधा दिन की धूप पड़ती हो वहाँ ये और भी अच्छा रहता है। बिल्कुल धूप में थोड़ा सा इसको ये मुरझाता बहुत जल्दी है, तो ये ग्राउंड कवर बहुत अच्छा है। इसमें फ्लावर भी आते हैं, देखिए वेरीगेटेड है, ये प्लेन ग्रीन पत्तियों वाला भी आता है। और ये देखिए ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन, ये देखिए ये थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ लगा हुआ है तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ये आपने कई जगह देखे भी होंगे, मेरे पास ये बहुत हो जाती है कई बार ये बेल बहुत हो जाती है। थोड़ा सर्दियों में ये डिसअपियर हो जाती है और गर्मी में अब ये थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ेगी और बरसात में बहुत अच्छी हो जाती है। ये ग्राउंड कवर बहुत अच्छा है। इसका कलर देखिए, एक अलग सा ग्रीन कलर है। इस वाले ग्रीन कलर में अगर आपका ग्राउंड कवर किया हुआ हो सारा और बीच बीच में बड़े पौधे लगे हों तो अच्छा। इसमें भी फ्लावर आते हैं, ये भी फ्लावरिंग ग्राउंड कवर है, ये बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है। नेक्स्ट देखिए, ये अगर ग्रीन नेट है ना, और शाम का टाइम है 6 बजे हुए हैं इसलिए आपको शायद थोड़ा सा विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी। ये देखिए ये बहुत प्यारा सा रंग आ रहा है इसका। ये देखिए ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन एक बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है। ये भी सर्दियों में जो है ये पौधा मर सा जाता है, और कई बार तो गमलों में लगता है जैसे ख़त्म हो गया है ये पौधा, लेकिन आप फेंका मत करें। अगर ख़त्म हो गया भी लगे तो भी मत फेंकें, जैसे ही गर्मी आती है ये दोबारा से उग जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पे आप देखिए
कितना अच्छा लग रहा है ये मैंने इसको ब्लीडिंग हार्ट के पौधे में, छोटा सा पौधा है अभी मेरा ब्लीडिंग हार्ट का, देखिए इसमें कलियां आ रही हैं। इसमें इसमें पहले लगा हुआ होगा, अब दोबारा से उगाया है ये सर्दी के बाद। ये देखिए ये एस्पेरेगस, एस्पेरेगस भी बहुत फास्ट ग्रो करता है और ये बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है। एकदम ग्रीन दिखाना हो आपको, जैसे ऊपर बड़े पौधे लगे हैं और नीचे का पोर्शन आपको एकदम ग्रीन दिखाना हो, कंटेनर गार्डन में भी बहुत अच्छा लगता है। सपोज आपने कोई क्रोटन लगाया है बड़ा सा और बड़े गमला है उसका, उसके चारों तरफ आप ये लगा दीजिए एस्पेरेगस, बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आपको ग्राउंड को भी कवर करना है तो भी अच्छा लगता है, गमले में भी चल जाता है और हैंगिंग बास्केट में भी चलता है। तो ये बड़ा वर्सेटाइल प्लांट है एस्पेरेगस। ये देखिए लोरोपेटलम है, ये भी गर्मियों में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है और सर्दियों में इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो लोरोपेटलम भी जो है ये फुल सन में चल जाता है और हाफ डे सन में तो और भी अच्छा चलता है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो ये वाला पौधा भी ग्राउंड कवर में बहुत अच्छा रहता है। और छोटी छोटी हेज बनानी होती है ना, जैसे आपको घास के चारों तरफ और छोटी छोटी हेज बनानी होती है, उसमें भी ये पौधा, इसको एक्चुअली हेज प्लांट, छोटा वाला बॉर्डर प्लांट कह के ये बाजार में आपको ज़्यादा मिलता है। और ये देखिए ये है डोरांटा, ये ड्वार्फ वाला डोरांटा है, ड्वार्फ तो नहीं कह सकते, ये डोरांटा नॉर्मली है। इसको मैंने काट के छोटा रखा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रो इस हाफ सर्कल में इनकी बनानी थी। दो दो पौधे लगाए हुए हैं और धीरे धीरे मैं इनकी कटिंग करती जा रही हूँ और ये पूरा इसको घेरते जा रहे हैं, गमलों को पूरा ढक लूँगी मैं इनको। तो ये भी बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है, बस आपको इसकी कटिंग करके जो है वो शेप, मतलब इनका जो आपको लेंथ रखनी है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये हेज प्लांट है, इसकी बड़ी बड़ी हेज बहुत 5-5, 6-6 फीट ऊंची हेज भी बनती है, लेकिन ये ग्राउंड कवर में भी आप उसको मेंटेन करें तो, जैसे मैंने देखिए इतने से मैं मेंटेन किया हुआ है, तो ये छोटा सा है तो ऐसे मेंटेन करें तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है। इसकी कलर देखिए कितने खूबसूरत है, गोल्डन डोरांटा आता है जो, शायद ये प्योर गोल्डन नहीं लग रहा है, वो बहुत खूबसूरत होता है गोल्डन वाला डोरांटा, पूना वाला आता है गोल्डन डोरांटा, वो बहुत खूबसूरत होता है। ये देखिए ये पोर्चुला का है, पोर्चुला का और ये पर्सलिन, ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये भी बहुत अच्छे, देखिए आपको पता ही चल रहा है ये इस गमले के बेस को कैसे ग्राउंड, इसका जो बेस है इसको कैसे कवर कर रहे हैं, है ना। बीच में ये पौधे बड़े बड़े, ये देखिए कटिंग्स वगैरह मैंने लगा रखे हैं, और ये देखिए ये, और ये मेरे से अभी टूट भी गई, देखिए इसको कहीं लगा दूंगी, और ये ग्राउंड कवर जैसे यहाँ लगे हुए हैं, और ये दोनों, तो ये जो प्लांट्स हैं जितने भी ग्राउंड कवर्स हैं वो हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे चलते हैं। तो ये, और जैसे गर्मियों में या कभी आपको फ्लावर वाले ग्राउंड कवर्स चाहिए होते हैं तो ये फ्लावर वाला फ्लावरिंग ग्राउंड कवर है, इसमें फूल भी आएंगे। और दो पौधे हो गए, ये पर्सलिन और ये पर्सलिन, ये वाला पोर्चुलाका की वैरायटी है, इसे पर्सलिन कहते हैं और ये पोर्चुलाका। ये देखिए फॉक्सटेल फर्न, इसकी टेल जैसे देखिए, ये एक एक जो ये लीफ है या स्टेम कह दें इसको, ये जो है ये फॉक्स की टेल जैसा है, तो ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लगता है ऐसा ग्राउंड कवर अगर इसको यूज़ करते हैं। बस ये फ्लावरिंग ग्राउंड कवर नहीं है, नहीं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है एज अ ग्राउंड कवर। ये देखिए ये वॉन्डरिंग ज्यू है, ये हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छा लगता है और छाया वाली जगह में, मतलब ब्राइट लाइट हो उस जगह में जो है, लाइट अच्छी आती हो, धूप नहीं आती हो, उस जगह भी ये बहुत अच्छा चलता है वॉन्डरिंग ज्यू। ये भी बहुत अच्छा ग्राउंड कवर, बड़ी फास्ट ग्रो करने वाला पौधा है ये भी। ये देखिए वडेलिया, ये बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है, आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे मेरे कंटेनर गार्डन में बड़े प्लांट्स के नीचे लगा हुआ है। ये देखिए बेबी सनरोज, इसके छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, ये बेबी सनरोज भी बहुत अच्छा ग्राउंड कवर है और ये ऐसे फैलता चला जाता है ज़मीन पे, ऐसे फैलता चला जाता है और सारे एरिया को कवर कर लेता है, हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगता है। लेकिन बस इसमें ये है कि ये ब्रांचेस जैसे लंबी होती चली जाती हैं हैंगिंग बास्केट में,
तो वो फिर लेगी और बेकार खराब होने लग जाती हैं। और ग्राउंड कवर की तरह इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो फैलती चली जाती हैं हॉरिजॉन्टली, खूबसूरत लगती हैं। और ये देखिए आपको मैं दिखाऊँ टेंगल्ड हार्ट, ये देखिए कैसे पूरा, ये आपको पूरा एग्जाम्पल मिल रहा है कि कैसा ग्राउंड कवर है ये। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ प्लांट्स आपको दिखाए हैं जो ये देखिए टर्मिनेलिया, खूबसूरत लगता है ये बहुत पौधा, अभी छोटा है, बड़ा होके बहुत खूबसूरत लगेगा। आपने कई जगह इनको सड़कों के किनारे देखा होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ मैंने आपको प्लांट्स बताए जो एज अ ग्राउंड कवर बहुत अच्छे यूज़ हो सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी हो सकते हैं, कंटेनर गार्डन्स में भी हो सकते हैं। तो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं, जो भी ग्राउंड कवर प्लांट होता है वो फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, बहुत जल्दी ज़्यादा एरिए को ये कवर कर लेते हैं प्लांट्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।